गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिहार। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर निशात आलम। वेलकम बैक टू योर वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल दैट इज कोलकाता व्लॉग्स। हाँ, आज की तारीख है 10 जून और 9 जून का वीडियो बना रेडी है, लेकिन अभी तक एडिट नहीं हुआ। कल एक कमेंट आया था, उसमें बोला गया था कि सीनरी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए, सीनरी को कैप्चर किया गया है और पूरा ग्रीन ग्रीन नज़ारा है। देखिए, मैं कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। दूर तक ग्रीन, सूरज हुआ मध्यम। ओह माय गॉड। एक्चुअली गांव और शहर में जो बेसिक डिफरेंस मुझे देखने को मिला कि सब कुछ एक जैसे ही होता है, लोग भी एक जैसे होते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन कम है। अभी भी बच्चे बाहर खेलते हैं, अभी भी लोग जो हैं, जो एज्ड पर्सन हैं, वो लुक्कड़ पे भीड़ लगाते हैं, बातें करते हैं। तो वो जो मैंने पहले वाली बात थी ना, जो स्मार्टफोन और एंड्रॉयड, मैंने बेसिकली जियो जियो के आने से पहले वाली जो बात थी, वो अभी भी कुछ हद तक गांव में मौजूद है। हमारे पीछे यहाँ पे देखा मैंने, एक चीज़ का खेत है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये किसी चीज़ का खेत है, लेकिन इसका सीन देखिए भाई साहब। तो अभी जा रहे हैं, 5:30 बज रहे अभी। सबसे पहले कल वाला वीडियो एडिट करके शेड्यूल में मारेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि काम में लेट ना हो। ऐसे इरादा तो था, लेकिन यहाँ आने के बाद 2 दिन हमने अभी तक गुजारा है, दोनों दिन हमारा काम में बहुत लेट हुआ है। आज उम्मीद करते हैं कोशिश पूरी की जाएगी, ना हो बाकी आप लोगों को एंड में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बिहार में लॉकडाउन का अपडेट ये है और 9 तारीख से बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरा पूरी अनलॉक इसको बोला नहीं जा सकता, लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह खुलेगा जिसमें आप लोग सिर्फ घर ले जा सकते हैं, मैंने टेक होम खुला है, बैठ के नहीं खा सकते हैं। और कुछ एसेंशियल सर्विस को खुला किया है। देखिए, जब लॉकडाउन होता है तो एक बार में पूरा पूरी बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब अनलॉक होता है तो धीरे धीरे किया जाता है। और सिर्फ कमर्शियल गाड़ी जो है वो नहीं चलेगी, अभी प्राइवेट गाड़ी को जाने की इजाज़त है, बट ऑन वेरी एसेंशियल सर्विस, इसके अलावा नहीं जा सकते हैं। रास्ता देखिए, ये जो व्यू दिख रहा है ना, दाएं तरफ बाएं तरफ, ये एक मेन रीज़न है कि हम यहाँ पे ब्लॉग करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है हमको। आप लोग भी अगर देखते होंगे, बहुत सारा व्हाट्सएप स्टेटस में अलग अलग गानों के साथ ये सब नज़ारा आप लोगों को दिखाया जाता है। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनको सीनरी बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो हम बोले ठीक है, अगर आपको सीनरी बहुत पसंद है तो अपन आपको सीनरी दिखाएंगे। खैर, अभी एक मार्केट वाला पार्ट है, इस मार्केट का नाम है चिल्हे रामपुर, तो रामपुर के वासियों, शोले फिल्म का रामपुर है, तो यहाँ का काम कर ले रहे हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, इससे भी आगे जाना है। हाँ। ओके, मार्केट दिखा दो, थोड़ा मार्केट देख लीजिए आप लोग, लेफ्ट राइट में थोड़ा। अक्सर मैंने नॉट अ लेसर टाइम, मोर देन 10 टाइम हम उनको बोले हैं। तो हम लोग आए मार्केट में, भाई साहब की दुकान से कुछ खरीदे हैं। भाई हाय कर दिए थोड़ा। हाय। हाँ, और इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाया, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बरौनी में कहाँ दुकान है आपका? दीनदयाल रोड सुपर साइन मार्केट। देखिए, एड्रेस सुन लीजिए, अगर आप सुन रहे हैं और करीब में हैं तो इनको विजिट कीजिए, और पसंद आए तो खरीदिए। और हाँ, यहाँ बार्गेन नहीं होता है, वन प्राइस है ना, ओनली वन प्राइस। चलिए, थैंक यू। आज हमने बोल दिया था ना सुबह में आप लोगों को कि आज किसी भी हाल में काम टाइम पे होगा, तो आज भी टाइम पे काम नहीं हुआ है। 3 दिन हो गया बिहार आए हुए और एक दिन भी हमारा काम टाइम पे नहीं हुआ है। जिस दिन हम बिहार के लिए निकल रहे थे, उस दिन हम अपना काम 4 घंटे में कंप्लीट किया था, और आज 7 घंटे से ज़्यादा लॉगिंग थे लेकिन काम हुआ नहीं। बीच में थोड़ा ब्रेक भी लिए थे, बट स्टिल काम थोड़ा बचा हुआ है। यार, ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा डिफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आई एम लिटरली सफरिंग, देखते हैं क्या होगा। तो अभी रात के बजने वाले हैं 8 और काम
के लगभग बच चुके हैं 12। खैर काम हमने कर लिया है लेकिन परेशानियां बेहद है यार। मतलब ऐसा होता था ना कि कभी बाहर निकलता था अब्बा को लेकर मेडिकल नॉर्म्स की वजह से या कोई भी एनी अदर रीज़न, तो घर पे आके मुझे 8-9-10 भी बचता था काम करने के लिए। अभी ऐसा है कि हम सारा दिन घर पे भी हैं लेकिन मेरा काम करने में लेट हो जा रहा है, तो इट इज़ अ वेरी मैटर ऑफ कंसर्न। यहाँ और 10 दिन रहना, अगर ऐसे ही होगा सारा दिन हमारा काम में निकल जाएगा तो हमको लगेगा नहीं अपन कुछ ट्रिप व्रिप कर रहे हैं। यार बहुत सारा प्लानिंग था, 2-4 अच्छे अच्छे कंटेंट थे जो आप लोगों को दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत नदी थी, नदी आप लोगों को दिखा सकते थे, लेकिन संडे से पहले तो कुछ नहीं हो रहा है। और एक दो कंटेंट प्लानिंग किया गया है, जैसे कि मेरा भाई है मीर हसन, ही हैज़ डिमांडेड मी फॉर समथिंग, उसको खाना है चिली चिकन, तो बाजी से बात करके वो भी बनेगा इंशाल्लाह। और मैंगो जूस तो कल बन ही रहा है तो आप लोगों को दिखने मिलेगा, क्या मैंगो का शेक। बाकी हर दिन मोमबत्ती जलाए तो हो नहीं सकता ना, कंटेंट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। खैर आज हम लोग थोड़ा बहुत घूमना फिरना किए के साथ, इडली भैया तो चटनी डालने का, थोड़ा डेकोरेशन करने का, ये फोटो इंस्टाग्राम पे जाएगा हमारा। हाँ थोड़ा साइड में और लगा ना, मीर हसन का नियत ठीक नहीं है, एकदम कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मीर हसन गेम बाद में दिखाओगे, लग जरा समोसा दिखाओ। हाँ थोड़ा साइड में कर, तो साइड में करना, इधर समोसा जगह नहीं है। हाँ फिर तेरा मोबाइल से एक फोटो क्लिक करना, मेरा इंस्टाग्राम पे जाएगा। रुको 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 मीर, देखिए एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं हम और ये हमारे इंस्टाग्राम पे जाएगा। अगर आपको ये फ़ोटो देखना है तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम लोग तो खाएंगे, सबको मुँह दिखाइए कौन कौन जनता हम लोग। दादी का फोटो, दादी तो मेरा सब जगह रहेंगे। दादी खाए, हमारे इंस्टाग्राम के बायो पे लिखा है यूट्यूबर कोट राइटर और फूडी, तो फूडी है तो फूडी बनना चाहिए। सब कोई को हम जैसे देंगे वैसे खाएगा, कोई ताड़ाउड़ो नहीं करेगा। लमीर ले भाई दादी से केला खाओ, फिर एगो सिंघाड़ा छो थोड़ा, ये आपका समोसा। अच्छा तुम भी लिट्टी खाओगे तुम समोसा। ओके दादी चलिए हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से देखेंगे नज़ारा क्या करना है। कैमरा ऑन रहना चाहिए, तब तक मीर आदमी रहेगा। बच्चे हो या बूढ़े थोड़ा स्लो खाते हैं हम लोग का डन। दादी चल रहा अभी भी, समोसा बहुत टेस्टी है और समोसा इज़ द सेकेंड फेवरेट थिंग आई लाइक, फर्स्ट एवरीबडी नोज। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और हमारे आँखों में एक चीज़ बहुत तेज़ी से घुस गया है, फिक्र मत कीजिए कीड़ा नहीं गया है। हमारे आँखों में जो तेज़ी से घुस गया है उस चीज़ का नाम है नींद, क्योंकि हम सुबह 4:30 मेरी आँख खुल जाती है। तो अब से मैं अलविदा लेना चाहूँगा और आँख बंद करते करते ही मैं आप लोगों को कहूँगा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, खुदा हाफिज़, गलती सही माफ़ करना, जो कुछ हुआ कल्ली वल्ली दुआ मुआ में याद रखना, और हाँ डू व्हाटएवर यू वांट which makes you happy. Look, इधर आ इधर आ इधर आ।